सो हमने लास्ट क्लास में फ्रंटल लोब के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे पैराइटल लोब। तो बेसिकली पैराइटल लोब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इमेज में, यहाँ से जो पिंकिश कलर नज़र आ रहा है आपका, यहाँ से लेके जो ये पूरा एरिया क्या है यहाँ, ये पैराइटल लोब। इसमें ज़्यादातर जो फंक्शन है वो सेंसेशन के लिए, पूरे बॉडी में सेंसेशन, इसलिए इसको सेंसरी एरिया बोला जाएगा। ठीक है, आप ये जो बीच का एरिया है आपको देख सकते हैं, अगर आप हाथ ऐसा आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए जाएंगे अपने फिंगर से, तो आपको एक ऐसा दिखता है कि कुछ दूसरी हड्डी वहां से अटैच हो रही, दूसरा बोन अटैच हो रहा। तो वो अटैचमेंट से लेकर फिर आपको ऐसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे भी अटैचमेंट आपको नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, पैराइटल लोब। ठीक है, तो ये पैराइटल लोब हेल्प करता है सेंसेशन, हाथ में, पैर में, जबान में, चेहरे पर खासकर, और सबसे ज्यादा रिसेप्टर कहीं पर है तो वो हमारे हाथ में और पैर में। ठीक है, तो हमारे हाथ और पैर में बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स इसमें ऐसा महसूस होता है कुछ भी लग जाए इस पे, हाथ आपको, हाथ से आपको सेंसेशन ब्रेन तक चले जाए। लेकिन वही चीज अगर दूसरे मजल्स के साथ में देखिए आप, बहुत कम है। ठीक है, सेंसेशन जब डीपर में जाएगा जब आपको महसूस होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे फेस पे भी रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा है और मजल्स भी बहुत है फेस पर। ठीक है, तो इसीलिए फेस देखकर पहचान सकते हैं कि उनपे मतलब क्या हो सकता है, पहचान सकते हैं कि मजल्स क्यों हैं। मजल्स बताते हैं, मजल्स अगर अपना टाइटनेस अगर छोड़ दे, ठीक है, यहाँ पर बॉडी में फेस पे आपके लूज टाइट मजल्स होते हैं जो एकदम टाइट हैंडल करके रखते हैं, वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को जल्दी ओल्ड एज आ जाता है, भी आते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, वो मजल्स की वजह से होता है। तो इसी तरह सेंसेशन भी फेस पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो फेस, हैंड एंड लेग्स हैव लार्ज एरिया ऑफ इम्पल्स और लार्ज इम्पल्सेस। तो ये था पैराइटल लोब के बारे में। तो किसी को अगर सेम, यहाँ पर भी सेम वैसा वर्षा होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहली चीज याद करने वाली ये है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर डैमेज हो जाए तो सेंसेशन में प्रॉब्लम आएगा, पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होगा हाथों में। राइट साइड अगर होगा तो लेफ्ट साइड के हैंड और लेग्स और फेस में प्रॉब्लम आएगा, लेफ्ट साइड होगा तो राइट साइड में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए बास पेशेंट कहेंगे आप लोग से कि चुंटिया भर रहे हैं और सुंदपना हो रहा, नमनेस हो रहा। ठीक है, ये तो तीनों जो भी जो हम कहते हैं नमनेस हो, नमनेस या डिक्रीज सेंसेशन, ठीक है, या टिंगलिंग सेंसेशन, ये महसूस करने के टाइप्स है, सेंस करने के टाइप्स। नमनेस हो सकता है, सुनपन हो गया, सेंसेशन हो गया, टिंगलिंग हो गया। टिंगलिंग मतलब चुंबकिया जैसा चलते हैं ना, वैसा महसूस होता है। कोई बहुत देर आप बैठ जाइए एक जगह पे तो पैरों में सुन्नपन आ जाता है। ठीक है, तो ये सब इंडिकेट करता है, अगर लार्जर टाइम से कंटिन्यू अगर है किसी को, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ ब्रेन के नर्व्स में प्रॉब्लम है, सेंसरी नर्व्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहाँ पर है सेंसरी नर्व्स, ज्यादातर अटैच होते हैं आपके पैराइटल लोब। ठीक है, तो ये था आपका पैराइटल लोब। तो प्रॉब्लम अगर सेंसेशन कुछ रही तो नर्व्स का होगा, नर्व्स अगर होंगे तो हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ पर है, साइड में। आप कान का जो एरिया है, कान से ऊपर वाला एरिया है, जिसको हम कनपट्टी कहते हैं आम जबान में,
वो पूरा का पूरा टेम्पोरल लोब कहलाएगा। ये देखिए आपका, ये यहाँ पे हमारा कान होता है, उसके ऊपर से ये पूरा का पूरा एरिया आपको टेम्पोरल लोब का है। तो यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस है, मेन फंक्शंस देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑडिटरी एरिया यानी सुनने की जगह। ठीक है, ये देखिए सुनने की जगह, आप जो सुनते हैं, सुनना भी एक सेंसेशन है, सेंस है, लेकिन ये साउंड को महसूस करना। ठीक है, तो ये वेव्स जो बात करते हैं हम, इसमें से वेव्स निकल, ठीक है, वेव्स निकल कर कान के अंदर, पर्दे के अंदर जाते, जाकर कान का पर्दा, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहलाता है, वो नर्व से अटैच है, वो उसको क्या करेगा, इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, वेव्स को इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करके इम्पल्स से वो ब्रेन के उस एरिया में जाएगा, नर्व जो अटैच है कान से, तो अटैच होगा वो कान का वो एरिया जो ऑडिटरी एरिया है, वो एरिया समझने में, वो उस वेव उसको समझने में मदद करेगा, जिससे आपको जो बोला जा रहा है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर यहाँ पे डैमेज हो जाए तो पेशेंट को सुनने में दिक्कत होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें, इसके अलावा यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो है सूंघने का, स्मेल सेंसेशन। ठीक है, तो ऑल्फैक्ट्री एरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑल्फैक्ट्री एरिया, ये भी टेम्पोरल लोब यहीं पर है। हम जो सूंघते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ से नर्व्स होते हैं, नर्व से फिर यहाँ पर उसको कनेक्शन होता है, सेम राइट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये स्मेल करने में, जैसा कि हम खट्टी चीज है कोई तो उसका स्मेल अलग होगा, तेज है उसका स्मेल अलग होगा, मीठी चीज है तो उसका स्मेल अलग होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स को हम आइडेंटिफाई जो करते हैं वो ऑल्फैक्ट्री नर्व से करते हैं, ऑल्फैक्ट्री एरिया होता है। ठीक है, अब जो नर्व है ना, यहाँ से जो नर्व निकलती है वो, इसको ही क्रेनियल नर्व कहते हैं, ये तो एरिया है, यहाँ से नर्व निकलेगी, यहाँ पे अटैच होगी, तो इसको हम ऑल्फैक्ट्री नर्व कहेंगे, इस एरिया को ऑल्फैक्ट्री एरिया कहेंगे, और ऑडिटरी एरिया कहेंगे, ऑडिटरी एरिया के लिए नर्व निकलेगी, ठीक है, उसी को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया, ऑडिटरी एरिया, ये सब चीजें यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ये क्या था आपको, टेम्पोरल लोब का था। ठीक है, और क्या है इसमें, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड, ठीक है, आर अदर स्पीच एरियाज कंसर्न विद द थॉट दैट प्रेसीड स्पीच। ईच ऑफ अस कैन प्रोबेबली रिकॉल व्हेन वी हैव स्पोकन विदाउट थिंकिंग, बट इन एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल, द थिंकिंग टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली एंड एसेंशियल इन ऑर्डर टू बी एबल टू स्पीक। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने की जो मसल्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो आपके फ्रंटल लोब में, लेकिन यहाँ पे टेम्पोरल लोब में एक है स्पीच एरिया है। स्पीच एरिया का मतलब क्या है, आपको जो स्पीच निकल रही है ये आप सोच सोच कर जो बात कर रहे हैं, थिंकिंग, टॉक विथ थिंकिंग, टॉकिंग विदाउट थिंकिंग, दोनों भी पॉसिबल नहीं है, दूसरा वाला पॉसिबल नहीं है, विदाउट थिंकिंग टॉकिंग। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्पीच एरिया, एसोसिएटेड स्पीच एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका ऑडिटरी एरिया, इसमें है ऑल्फैक्ट्री एरिया, और है क्या, एसोसिएटेड स्पीच एरिया, यानी जो स्पीच है उसको हेल्प करने वाला एरिया। स्पीच एरिया असल तो यहाँ पर है हमारे फ्रंटल लोब पे, ठीक है, और उसी एरिया को हेल्प करता है ये एसोसिएटेड स्पीच एरिया। तो ये था हमारा टेम्पोरल लोब। अब आइए बात करते हैं ऑसिपिटल लोब के बारे में कुछ। यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखने वाली है कि टेम्पोरल लोब में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, स्मेल सेंसेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और बात करने में जो हेल्प कर रहा था आपका वो, उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर
वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, या वर्ड्स जो है बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा आप लोगों से, उसको कहते हैं एफेसिया। एफेसिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आवर यूज ऑफ लैंग्वेज सेट एज अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड वॉज स्पीच रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज इज द यूज ऑफ सिंबल टू डिजाइन ऑब्जेक्ट्स एंड टू एक्सप्रेस आइडियाज। डैमेज टू द स्पीच एरिया सेरिब्रम में इम्पेयर वन और मोर एस्पेक्ट एज पर सिग्नलिटी टू यूज लैंग्वेज, इज कॉल्ड एफेसिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है एफेसिया, यानी बात करने में दिक्कत होना। अब बात क्यों करते हैं, हम बात क्यों करते हैं, लैंग्वेज है ये बैरियर है आपके और हमारे दरमियान, एक कम्युनिकेशन जो चलेगा, मेरी बात आपको समझना है, मैं आपकी बात मैं समझना है, तो लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे बैरियर है एक चीज़ को, या ब्रिज है फीलिंग्स को, इमोशंस को ब्रेन से वर्ड्स में कन्वर्ट करके आगे वाले तक पहुंचाना। तो ये क्या है, एक बैरियर है, ब्रिज। अगर इस एरिया में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कहेंगे एफेसिया। अब पेशेंट क्या कर सकता है, अपने इमोशंस को जो दिमाग में महसूस कर रहा है, दिल में महसूस कर रहा है, वो कन्वर्ट नहीं कर पाता। ये बहुत सारे चीज़ों क्या होता है, फिजिकल ट्रॉमा, मार लगने की वजह से, गिरने की वजह से, ये हो सकता है। कहाँ पे डैमेज होगा, ब्रोकास एरिया जिसको हम मोटार स्पीच एरिया कहते हैं, वहां पे डैमेज होगा, ठीक है, वो बोलना चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि मोटार एरिया डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये सब होगा। अब इसमें इसी तरह ऑडिटरी अफेसिया भी कहला सकते हैं, यानी जो बात कही जा रही है उसको सुन नहीं पाएगा या तो समझ नहीं पाएगा, ठीक है, इसको वर्ड डिफनेस डिफनेस कहेंगे, ऑडिटरी एफेसिया कहेंगे। अगर दिखना बंद हो जाए तो इसको विजुअल एफेसिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, एफेसिया के माने अंडरस्टैंड नहीं होना, जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड नहीं होना, चाहे आंखों के जरिए से, चाहे कान के जरिए से, चाहे वो जबान के जरिए से बोलने में दिक्कत, तो इसको हम अफेसिया कहेंगे, क्योंकि ये पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ऑसिपिटल लोब के बारे में। ऑसिपिटल में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर है आपका विजुअल एरिया, ठीक है, हर एक एरिया, हर एक के पास एक एक चीज़ है। ये जो येलो कलर दिख रहा है आपका, ये कहलाएगा आपका ऑसिपिटल लोब। यहाँ पे मोस्टली विजुअल एरिया ही है, पीछे का पूरा एरिया विजुअल एरिया है, और विजुअल एसोसिएटेड एरिया, ये विजुअलाइजेशन करने के लिए जो मदद करने के लिए मदद की जो जरूरत है वो मदद करेगा विजुअल एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसा काम होता है, बहुत बहुत एकदम जबरदस्त चीजें हैं ये, ठीक है। द विजुअल एरिया इंटरप्रेट व्हाट इज सी एंड एनेबल द थिंकिंग सेरेब्रम टू यूज द इंफॉर्मेशन। ए क्लॉक सीइंग द क्लॉक एट फार डिफरेंट फ्रॉम बीइंग एबल टू इंटरप्ट एट वन टाइम वी लर्न टू इंटरप्ट द क्लॉक फेस एंड हैंड्स एंड नाउ वी डू नॉट हैव टू कंटिन्यूअली डिसाइड व्हाट टाइम द क्लॉक इज रेडी। तो यहाँ पे देख के आप चीजों को समझ सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑसिपिटल लोब को दी गई। जैसा कि एग्जांपल दिया गया कि यहाँ पर जब आप पहली मरतबा क्लॉक को देखेंगे तो उसको आप गौर से देखेंगे, ये पूरे नंबर्स क्या है, उसके अंदर आवर का जो काटा है उसका क्या मतलब है, मिनट्स का काटा है उसका क्या मतलब है, पहले पहले आप तो गौर से देखेंगे, लेकिन जैसा देखना स्टार्ट करेंगे आप तो उसके बाद विद इन सेकेंड्स आप टाइम देख लेंगे, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग एरिया है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अब हम ट्रीटमेंट करते वक्त पेशेंट को देखेंगे, उसके फेस को देखेंगे, उसके हैंड्स को देखेंगे, उसको लेग्स को देखेंगे, उसको चलने का तरीका देखेंगे, उसके बात करने का तरीका देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसकी आवाज़ कैसी निकल रही वो देखेंगे, ठीक है। ये सब देखने से क्या मालूम होगा, आप बार बार पेशेंट्स को देखते देखते एक अंडरस्टैंडिंग आपके विजुअलाइजेशन में आ जाती है कि ये प्रॉब्लम उनको हो सकता है, तो ये मैप बना देता है, मैप जनरेट कर देता है। इसी तरह हम रास्तों में जाते हैं, रास्तों में तो हम बात नहीं करते, सिर्फ देख के समझते हैं किस एरिया में राइट लेना है, लेफ्ट लेना है,
एक दो बार जब जाएंगे तो रास्ता दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम घर देखते हैं, कलर देखते हैं, किसी को फेस फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये भी हॉस्पिटल एरिया कराएगा आपका, ठीक है? कितने भी लोग रहो, 100 लोग रहो तो 100 लोगों को हम जरूर पहचान सकेंगे, जब उनको कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है? अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी, दूसरी बार तो जब पहली मर्तबा देखते हैं तो दिक्कत होती है, उसके बाद दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, जब बार बार आप देखते हैं तो क्या है, आपके ब्रेन में विजुअलाइजेशन हो जाता है, ठीक है? तो इसी तरह सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। द सेरिब्रल कॉर्टल हैज द कैरेक्टर्स ऑफ न्यूरल प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स, टू रिक्रिएट डिफरेंट न्यूरॉन्स फॉर सर्टेन फंक्शंस, एज मे अकर ड्यूरिंग चाइल्डहुड और रिकवरी फ्रॉम योर स्ट्रोक। अनदर एग्जाम्पल इज द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ए पर्सन हु इज बॉर्न ब्लाइंड। द न्यूरॉन्स ऑफ द ऑसिपिटल लोब द वुड हैव बीन यूज फॉर विजन विल ऑफन बी यूज फॉर अनदर फंक्शन। सो यहाँ पर देखिए, एक बहुत सारे बच्चे पैदाइशी विजुअलाइजेशन को नहीं रहता, नो क्या कहेंगे हमारे, नो विजन होगा उनको, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, उनको देखने में दिक्कत होगी। तो ब्रेन क्या करेगा, उस विजुअल को किसी दूसरी जगह इस्तेमाल करेगा, इसी को कहेंगे न्यूरल प्लास्टिसिटी। इसीलिए ये बच्चे क्या होंगे, इनके कान बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज होंगे ये सुनने में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ब्रेन का ये एरिया अब यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो अब ये सेंसेशन के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरे सेंसेशन में, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। अगर किसी का हियरिंग एरिया अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो विजुअल एरिया है इस्तेमाल होगा, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो ये बॉडी का ऑसिपिटल लोब का एरिया है।